100% पतंग उड़ेगा। एमआईएम जीत रहे, आज ये साल भी जीतेगा। माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ जीत रहे हैं, जीत रहे हैं जी। एटलीस्ट 600 to 700 मेंबर्स यहाँ ज्वाइनिंग हुए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। इतने सालों में इतने हिंदू बेल्ट है, कभी भी नहीं आए हमारे एरिया में। पूरे सब लोग अच्छे रहते, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते। पतंग उड़ रही है, कट रही है, क्या कहोगे आप? उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त नामापल्ली में मौजूद हूँ। नामपल्ली वो गढ़ जो असदुद्दीन ओवैसी का कहीं ना कहीं एक हॉट सीट कही जा रही है, जहाँ पर माजिद हुसैन प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज की महिला है जो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को सपोर्ट करने आई है। यहाँ पर पब्लिक मीटिंग थी, यहाँ पर तमाम जो है हिंदू महिलाएँ आई हैं, उनसे जानेंगे वो किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय। लेकिन सबसे पहले पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे पंडित जी? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हैदराबाद की मेरी माँ बहनें, हिंदू माँ बहनें, हिंदू माँ बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनसे बस यही कहता हूँ कि सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मेरी माँ बहनें मेरा लाज रखेंगी और आने वाली 30 तारीख को हर बोट पतंग को लगाएंगी। बाकी माँ बहनों से बात। पहला सवाल, आप लोग हिंदू समाज से आते हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह है बोले तो, पहली बात हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी तो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारे हिंदू में भी लोग ठहर रहे बीजेपी से या कांग्रेस से या टीआरएस से, लेकिन हम लोग जीत नहीं पा रहे, क्योंकि ये वजह है हमारे में यूनिटी नहीं है। सब एक यूनिटी रहे तो कौन सा तो भी अपन साथ कर सकते, लेकिन यूनिटी नए से तो यहाँ एमएलए साहब तो हम लोग को ये भेदभाव नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम बोल के, उन लोग हमेशा हम लोग को मदद कर रहे थे। पहले बारिश आए तो भी जो भी अपना तेलंगाना गवर्नमेंट से आया स्कीम्स वो भी दे रहे थे, और 10,000 घर घर को दिए थे। हर एक चीज़ में उन लोग से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मिलता था। लेकिन हमारे पार्टी में रह के थोड़ा मुश्किल आया था, क्योंकि हम लोग किसी के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे एमएलए नहीं थे, हमारे कॉरपोरेट नेट सब नहीं थे, क्योंकि जो भी है एमएलए सब यहाँ एमआईएम के थे। तो हम लोग ये टाइम ये डिसाइड करें कि तो जो हमेशा जीते उन लोगों को सपोर्ट करेंगे और मेजॉरिटी से लाएंगे, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है आगे कुछ तो भी रहे तो भी वो पूरा सॉल्व करते बोलकर एक 100% यकीन है, उसलिए हम लोग ये पार्टी में ज्वाइन हुए। माजिद हुसैन साहब यहाँ से जीत रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है ये टाइम, क्योंकि बहुत उम्मीद है ये टाइम क्योंकि हम लोग बहुत सारे हिंदू महिला जो भी है यहाँ के, एटलीस्ट 600 to 700 मेंबर्स यहाँ ज्वाइनिंग हुए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही इतने सालों में इतने हिंदू बेल्ट है, कभी भी नहीं आए, ये टाइम आ रहे। क्योंकि थोड़े पार्टी में हिंदू मुस्लिम बोल के या नफरतें पैदा करे वो कुछ नहीं, ये मन में नहीं रख के बाजुक रख के हम सब एक है बोल के ये पार्टी में आके और उन लोगों को अच्छे बड़े मेजॉरिटी से जिताएंगे बोल के आए हम लोग। पतंग उड़ रही है यहाँ पे या कट रही है? नहीं नहीं 100% उड़ेगा, 100% देर इज नो डाउट, क्योंकि हमेशा 7 प्लेस एमआईएम का है, ए भी 100% आएगा, उसलिए हम लोग पूरे ए भी सपोर्ट है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, हम लोग उनके साथ है। माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं? हाँ हमेशा। क्या कहेंगे? कभी भी अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं बहुत अच्छा काम करे, हमारे एरिया में पूरे सब लोग अच्छे रहते, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते। हमारा फेस्टिवल कुछ भी है उन लोग आके सब साथ में रह के करते, कुछ भी काम है तो सब मिलके करते, अच्छा मिलके रहते अब लोग। नाम पे वोट करेंगे या काम पे? नहीं सर, कौन अच्छा करते ना उन लोगों के वोट डालना बोल के तो हम लोग सोच रहे, अपन भी सबको चांस देना पड़ता है, कौन अच्छा करते हैं आजकल तो सबको मालूम पड़ता ना, तो वो लोगों के लिए अपन वोट डालना है। ठीक है सर। माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ तो जीते सर। पतंग उड़ रही है, कट रही है, क्या कहोगे आप? उड़ना चाहिए, उड़ना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? पतंग आने से 100% उड़ेगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ जीत रहे हैं, जीत रहे हैं जी। मुसलमानों का पूरा सपोर्ट है, हिंदू समाज भी कर रहे हैं, क्या लग जी रहा? हाँ, लग जी रहा हाँ, आपको लग रहा है। आप क्या कहोगे आप, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, आपका क्या होगा जवाब?
कौन करते हैं यहाँ पार्टी के लोग? असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जिस बस्ती में रहते हैं पूरे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, हिंदू कम में मुस्लिम्स ज़्यादा है, तो इतने सालों में एक भी यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर एक सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग। वैसे कोई भाई वो पूरा बैड एलिगेशंस लगा रहे हो, रॉन्ग एलिगेशन से हो, तो मतलब यहाँ से MIM पार्टी जीत रही है, पतंग उड़ रही है 100% पतंग उड़ेगा। हम लोग पूरे साथ में है, कैसे तो भी जीतेगा। अब देखिए 3rd को रिजल्ट आएगा, फिर आप आना, आप इंटरव्यू लेना हम लोग का। बहुत साल से MIM जीत रहे, आज ये साल भी जीतेगा। सब हिंदुओं का उन लोग कुछ भी जरूरत है तो कर देते, उन देख लेते कुछ भी है बोले तो जाके पूछे तो उन लोग करते। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।